नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चुनावी मुद्दा इस वक्त गर्म है, चुनावी हवा गर्माई हुई है और हर जगह हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनावों की बातें चल रही हैं। ऐसे में करौली के लोग क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं एक नजर में संवाददाता कलमुद्दीन खान के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव में किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट कर दोगे आप? बिल्कुल, हमको अच्छा किया उसने, गरीबों को साथ दे रहा है। कौन दे रहा है? मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया देश के? नहीं, कुछ नहीं किया, 35 साल से कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी नहीं था पहले? हाँ, उसके अम्मा थी, उसके घर के और भी थे, उसके परिवार के थे। हम नहीं देंगे। आपकी बात पक्का कर लिया? पक्का है, हमने पक्का है, बिल्कुल हमने कर दिया। बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी जीतेंगे हमारे यहाँ से। बिल्कुल। आपका नाम? मोतीलाल वैष्णव। धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव में किसको वोट दोगे आप? हम तो नहीं दें कोई कोई। क्यों? वोट मतदान का वैसा नहीं दें। क्या कारण है आप वोट देने नहीं जा रहे? नहीं दें, टाइम नहीं मिले हमको। वोट तो वोट किसी को वोट नहीं दोगे? मोदी, कांग्रेस, राहुल गांधी? कोई कोई नहीं दें। टाइम ही खा मिला, रोड खाए भी टाइम नहीं मिले। कल खाए कैसे वोट? पहली बात तो आप वोट देने जाइए, किसी को पूछा? हम तो नहीं दें। लोकतंत्र में आप कोई नहीं दें। हम तो टाइम ही नहीं मिला, हम वोट आने को रोड खाए भी टाइम नहीं मिला। ये देख चाल नहीं आई, भेज देख, टाइम नहीं मिला। कहता है बात कर रहे लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को। ये बात बीजेपी को वोट क्यों देना चाहते हैं आप? बीजेपी सरकार सबसे आगे है और अच्छे काम करती है बीजेपी सरकार। तो कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया अब तक? कांग्रेस सरकार चोर है और कुछ भी काम नहीं किया अब तक। तो मोदी की वजह से वोट दोगे आप? मोदी, ओनली फॉर मोदी। आप बताइए मोदी जी को देंगे खूब भारी आत्मा और भलो करियो भगवान, आप खूब देंगे आराम से, खूब भेजे बाइक भेजो, बाकी 7 पीढ़ी तक खूब लगेगा।